और चलिए आज आपको दिखाते हैं राजस्थान के आदिवासी इलाके का एक दिलचस्प नजारा। ऊंट पर सवार होकर निकले नेताजी या अशोक गहलोत सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मांगीलाल गरासिया हैं, जो ऊंट पर सवार होकर जंगल में निकले हैं। इनके क्षेत्र गोगुंदा में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे घर हैं जो जंगलों में डूंगरी पर दूर दराज के इलाकों में हैं, और उन तक पहुंचने का जरिया ये ऊंट है। और सड़क बिजली आज भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या है। ऊंट पर सवार पूर्व शिक्षा मंत्री से बात की हमारे सहयोगी मदन कलाल ने। ये नजारा आपके लिए जरूर से गुदगुदी पैदा करेगा। इस वक्त हमारे साथ हैं राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री मांगीलाल जी गरासिया, जो ऊंट पर सवारी करेंगे। बेसिकली वह सवारी करने का पीछे उद्देश्य बड़ा ये है कि यहाँ पर सड़क के इंतजाम नहीं है, और खुद शिक्षा मंत्री जो रहे राजस्थान के, उनको अपनी कैंपेनिंग के लिए ऊंट का सहारा लेना पड़ रहा है। हम मांगीलाल जी से सवाल जवाब करेंगे। फर्स्ट इंडिया परिवार की ओर से आपका स्वागत है मांगीलाल जी। सबसे बड़ा अचरज ये है कि आप ऊंट पे सवारी कर रहे हैं, कैंपेनिंग के लिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों? आज पूरा हमारा ट्राइबल का एरिया है और इस आदिवासी एरिया में ऊंटों पे हमारे सब गांव के भाई बहनों ने तय किया कि भाई हमारे को गांव में आना है और गांव में आकर के हमारे भाई की सुध लेने का काम करना है, क्योंकि 5 वर्ष में इस एरिया में कई सड़कों की व्यवस्था नहीं हुई, कहीं आने जाने की व्यवस्था नहीं होने के खातिर आज हमारे सभी भाई यहाँ पर पैदल यहाँ तक आए, और पैदल आकर के सब भाइयों ने तय किया कि यहाँ पर जो पैदल हम थोड़े दूर पैदल चले, और पैदल के साथ साथ में ऊंट लेकर के आए कि आप ऊंटों पर भी होकर के हमारे गांव में आने का काम करें और पूरा देखने का काम करें कि यहाँ पर आने जाने के लिए व्यवस्था नहीं है। किस तरह से जनता पार्टी के राज में यहाँ पर कोई आने जाने की व्यवस्था नहीं हुई और 5 वर्ष तक केवल झूठी बातें करते रहे, झूठे आश्वासन देते रहे। इसलिए ये सब लोगों ने कहा कि ऊंट को ऊंटों पर बैठ करके आना पड़ेगा, तो आओ हमारे सुनवाई करो। और कांग्रेस राज में सुनवाई हो सकती है, जनता पार्टी के राज में सुनवाई नहीं हो सकती। हमारी सड़क जनता पार्टी के राज में नहीं बनी है, इसलिए तकलीफ है। गरासिया साहब, एक सवाल है कि बीजेपी आपके कार्यकाल पर सवाल उठाती है, आपने शिक्षा मंत्री रहते हुए वो नहीं किया जो करना चाहिए था, उस पर आपका क्या कहना? निश्चित तौर से हमने यहाँ पर शिक्षा की बात करें तो कोई भी गांव राजस्व गांव हमने बाकी नहीं रखा। स्कूल से वहां स्थापित करके वहां पर स्कूल खोल करके शिक्षा को आगे बढ़ाने में जब स्कूल भी खोल दिए, परंतु अभी दूर दराज के एरिया में कई स्कूल बंद कर दी। हमारे पूरे गोगुंदा में 50 स्कूलें बंद करने का काम किया है, और 50 स्कूल बंद करके हमारे जितने भी बच्चे दूर दराज में नहीं जा सकते हैं उनके साथ में बहुत बड़ा कुठाराघात करने का काम किया है। ये मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम पे जो स्कूलें बंद की है, निश्चित तौर से जितने के बारे में हम तय करेंगे इन सब भाइयों के बीच में, उन स्कूलों को वापस शुरू करने का काम करेंगे। ये है राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री मांगीलाल गरासिया, जिन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनकी वजह से राज्य में सड़कों की स्थिति खराब है, बिजली के इंतजाम नहीं है, विशेषकर आदिवासी इलाकों में। अपने सहयोगी सोहन मीणा के साथ मदन कलाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, गोगुंदा। तो गरासिया की अगर बात की जाए तो 2013 में इनको प्रताप राम भील ने, बीजेपी के जो विधायक हैं, सिटिंग एमएलए हैं, उन्होंने हराया था। हालांकि जीत हार का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं था, तो फिर